जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों क्लास 12 कंप्लीट फिजिक्स के अंतर्गत दोस्तों पहला चैप्टर चल रहा है वैद्युत आवेश, कूलाम बल एवं विद्युत क्षेत्र, जिसके अंतर्गत आप सभी मित्रों ने लेक्चर नंबर 1 से लगाकर लेक्चर नंबर 19 तक अध्ययन कर लिया था दोस्तों। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 से लगाकर लेक्चर नंबर 15 तक दोस्तों आप सभी मित्रों ने कंप्लीट थ्योरी चैप्टर नंबर 1 की सीखी है, और लेक्चर नंबर 16 से दोस्तों न्यूमेरिकल स्टार्ट हुए थे, तो लेक्चर नंबर 16, 17, 18 और 19 तक आपको न्यूमेरिकल दोस्तों प्रोवाइड किया जा चुके हैं। यानी कि दोस्तों आज आपका लेक्चर नंबर कौन सा होने वाला, चैप्टर फर्स्ट का दोस्तों, चैप्टर फर्स्ट का दोस्तों लेक्चर नंबर कौन सा है 20। दोस्तों आप को लेक्चर नंबर 19, लेक्चर नंबर 18, लेक्चर नंबर 17 और लेक्चर नंबर दोस्तों 16 का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहां से आसानी से इन लेक्चरों को आप देख सकते हैं। यदि आप चैप्टर 1 के सभी वीडियो दोस्तों सीरियल वाइज देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। जैसे दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसके अंदर क्लिक करेंगे तो दोस्तों उसके अंतर्गत आपको क्लास 12 फिजिक्स यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम से प्लेलिस्ट बनी है। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों आपको सारे वीडियो दोस्तों सीरियल वाइज प्रोवाइड होंगे। प्लेलिस्ट का नाम क्या है, क्लास 12 फिजिक्स यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे ही दोस्तों आप उस पर क्लिक करते हैं आपको सारे वीडियो दोस्तों सीरियल वाइज प्रोवाइड हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास में दोस्तों रहने वाले क्या है, क्या रहने वाले दोस्तों न्यूमेरिकल्स आज की क्लास में रहने वाले हैं। और दोस्तों आज आपकी जैसे क्लास समाप्त होने से पहले ही आपको एक खुशखबरी दी जाएगी। आज आप सभी मित्रों के लिए एक खुशखबरी है, जो जैसे क्लास समाप्त होते ही आपको क्या है, खुशखबरी सुनाई जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आज का जो आपका मोटिवेशनल कोटेशन दोस्तों है, ध्यान से देखिएगा, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती, पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती। कहने का मतलब दोस्तों मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती। आप किसी भी कार्य को करने से पहले या कोई कार्य करेंगे तो उसके पहले आप रणनीति बनाते हैं, सोचते हैं, सपना देखते हैं कि हम इस कार्य को करेंगे। और यदि आप सपना ही ना देखें, यदि आपके मन में, आपके मस्तिष्क में उस चीज़, उस लक्ष्य का आपका इमेज ही ना आए कि उस लक्ष्य को प्राप्त कर कैसे किया जाता है, वो लक्ष्य है क्या वास्तविकता में, यदि उसकी कल्पना ही आप में ना आए, आप में उसका क्या चित्र ही ना बने, यानी कि सपने में उसको देखे ही ना, तो उसको प्राप्त कैसे करेंगे दोस्तों। इसीलिए कहा है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती जिनके सपनों में जानो। और सपना तो देखिए, उस सपने को हकीकत में लाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करिए और लगातार परिश्रम करिए, अथक परिश्रम करने का दोस्तों प्रयास कीजिए। इसलिए कहा पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती। आपने सपना सिर्फ देख लिया, उस सपने से कुछ नहीं, देखने से कुछ नहीं होता, उस सपने को पूरा करने के लिए आप कितना प्रयास करते हैं, कितनी मेहनत के साथ कार्य करते हैं, कितनी आप लगन लगाते हैं, कितना आप समय देते हैं उस सपने को साकार करने के लिए, वो माने रखता। इसीलिए कहा है कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती। और हौसले उसको कहते हैं, जैसे आपने सपना देखा, उस सपने को साकार करने के लिए आप सभी मित्र कितनी मेहनत कर रहे हैं, वो माने रखता है। इसलिए सपने तो दोस्तों देखिए, सपने देखने का सबको अधिकार है, लेकिन यदि आप चाहते हैं सपना साकार हो, उसके लिए लगन, मेहनत, ईमानदारी और धैर्य के साथ दोस्तों कार्य करना होगा, अपना मन, मस्तिष्क, दिमाग को एकाग्र करना होगा, अपने लक्ष्य की ओर प्रत्येक सोपान पर सफल होने के लिए लगातार अथक प्रयास करना होगा, तभी दोस्तों आप सफल हो सकते हैं। यानी बगैर मेहनत के इस संसार में कुछ भी संभव नहीं, और यदि आप जी जान से मेहनत करते हैं तो ऐसा संसार का कोई कार्य नहीं जो आप कर ना सके दोस्तों। इसलिए कार्य, अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य को, अपने माता पिता को खुश करने के लिए, अपने आपकी माँ, आपके पिताजी ने जो सपना देखा है, उस सपने को साकार करने के लिए लगातार अथक प्रयास करना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है दोस्तों। इसीलिए लगातार लगे रहिए, अपनी मेहनत को करते रहिए दोस्तों। ठीक है, इसी जोश तथा इसी उमंग के साथ दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी मित्रों को लेक्चर नंबर 19 तक दोस्तों, आपको 19 जो न्यूमेरिकल हो गए थे लेक्चर नंबर 19 तक दोस्तों, कितने न्यूमेरिकल हो गए थे, 19 तक हो गए थे दोस्तों। आया और टाइप दोस्तों जी हो गया था, टाइप जी चल रहा था। तो दोस्तों आज टाइप है,
टाइप दोस्तों एच है दोस्तों, और टाइप एच में दोस्तों आपको आज जो न्यूमेरिकल लगाने हैं अच्छीय अच्छीय तथा निरक्षीय, अच्छी तथा निरक्षीय, अनुदैध अनुदैध तथा अनुप्रस्थ स्थिति में, अच्छी कहें तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना दोस्तों, ये टाइप एच में करना दोस्तों, ठीक दोस्तों। और दोस्तों न्यूमेरिकल नंबर कौन सा होगा, न्यूमेरिकल नंबर 20 है दोस्तों, न्यूमेरिकल नंबर दोस्तों कौन सा है 20 है। अच्छी दोस्तों अनुदैर्ध्य तथा निरक्षीय यानी कि अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोस्तों याद करनी, इसका फार्मूला क्या होता है आप सभी मित्रों को मुझे उम्मीद है कि याद होगा। अच्छी स्थिति में तो दोस्तों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता था अच्छी स्थिति में दोस्तों जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला लगाते थे दोस्तों, ई बराबर क्या आता था 1/4 πε0, ध्यान से देखिएगा दोस्तों कितना 2π/r³, जहां दोस्तों हमारा P जो होता था द्विध्रुव वैद्युत ध्रुव दोस्तों आघूर्ण होता था। और दोस्तों निरक्षीय स्थिति में दोस्तों जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोस्तों क्या होती थी, ई बराबर याद है भैया किसी मित्र को बताइए, ई 1/4 πε0 कितना π/r³ होता था, क्या होता था π/r³ होता था दोस्तों, ठीक है। तो न्यूमेरिकल नंबर दोस्तों 20 को लेते हैं, यहाँ तक बात अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोस्तों क्या होती है, ई बराबर 1/4 πε0 2π/r³ होता था, और यहाँ पे निरक्षीय स्थिति में ई बराबर 1/4 πε0 2 नहीं होगा, सिर्फ यहाँ π/r³ होता दोस्तों, ठीक है। तो न्यूमेरिकल नंबर दोस्तों 19 तक दोस्तों आपके न्यूमेरिकल नंबर जो लेक्चर नंबर आपका 19 हुआ था वहां तक दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि आज दोस्तों आपका जो है कौन सा न्यूमेरिकल नंबर 20 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों पहला न्यूमेरिकल का 20 का इस लेक्चर का कि 6 माइक्रोकूलाम तथा माइनस का 6 माइक्रोकूलाम एक दूसरे से 2 मिलीमीटर दूर रखा है, 2 मिलीमीटर दूर रखे हैं तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। आगे दोस्तों इसी में कहा है अच्छी स्थिति में 2 सेंटीमीटर अच्छी स्थिति में दोस्तों 2 सेंटीमीटर दूर 2 सेंटीमीटर दूर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, की तीव्रता दोस्तों ज्ञात कीजिए। ध्यान से भैया देखिए आपसे भैया क्या कहा है, आपसे कहा भैया 6 माइक्रोकूलाम तथा माइनस 6 माइक्रोकूलाम प्लस का कहा तथा माइनस 6 माइक्रोकूलाम एक दूसरे से दोस्तों 2 मिलीमीटर दूर रखें, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात, यानी कि दोस्तों पी ज्ञात करना है। तो आपको पता वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते किसे हैं, वैद्युत ध्रुव के एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। दोस्तों सबसे पहले दिया क्या देख लेते हैं, दिया बराबर दोस्तों क्या है, क्या देखा दोस्तों, देखा ए बी छः खाली, तो Q बराबर दोस्तों लिख सकते हैं Q1 बराबर Q2 बराबर दोस्तों कितना है Q,
कितना 6 माइक्रोकूलम, यही तो हुआ 6 माइक्रोकूलम। Q1 बराबर Q2 बराबर Q1 6 माइक्रोकूलम लिख लिया डायरेक्ट, क्योंकि हमको एक आवेश की जरूरत है ना, तो Q1 Q2 की जरूरत नहीं, ये सिर्फ ये बता रहे हैं कि दिस क्या है, दोनों आवेश जो प्लस का है माइनस का, तो प्लस और माइनस बता रहे हैं कि क्या इनकी जो प्लस आवेश है धनात्मक है वो क्या माइनस ऋणात्मक आवेश है, लेकिन उसमें से एक आवेश लेते हैं, सिर्फ हम आवेश का परिमाण लेते हैं, मतलब ये प्लस और माइनस से हमारा मतलब नहीं होता है, इसीलिए कहा वैद्युत ध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को कहते हैं। तो एक आवेश दोनों बराबर है तो Q बराबर Q1 बराबर Q = 6 माइक्रोकूलम, या इसको भी आप जो लिखते हैं लिखा था ये भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट क्यू बराबर आप लिख सकते हैं 6 माइक्रोकूलम। और माइक्रोकूलम को दोस्तों हम कूलम में चेंज करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, आपको सिखा चुके हैं 6×10⁻⁶ के से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, ये काहे में चेंज होगा कूलम में, ये काय में चेंज होगा कूलम, ये माइक्रोकूलम का म्यू सी का मतलब कितना होता है माइक्रोकूलम, आप इससे परिचित होंगे माइक्रो कूलम दोस्तों, राइट। आगे कहा है एक दूसरे से 2 मिलीमीटर दूरी रखे हैं, यानी कि दोनों आवेश के बीच की दूरी 2L मानते थे, वैद्युत ध्रुव का गुण बनाते थे, तो कितना 2L वाला कितना होगा 2 मिलीमीटर दोस्तों, और आपको बता मिलीमीटर को काय में चेंज करेंगे दोस्तों, मिलीमीटर को काय में चेंज करना होगा मीटर में चेंज करना होगा, मिलीमीटर को काहे में दोस्तों चेंज करेंगे मीटर में चेंज करेंगे, तो दोस्तों कितना हो जाएगा देखिए 2L बराबर ध्यान से देखिएगा 2 मिलीमीटर, अरे सॉरी लीटर लिखा है मीटर है, तो दोस्तों 2 मिलीमीटर है तो दोस्तों देखिए 2L बराबर 2 मिलीमीटर होगा दोस्तों, 1 मिलीमीटर में दोस्तों कितने मीटर होते हैं तो दोस्तों 2×10⁻³, 1 मिलीमीटर में दोस्तों 10⁻³ मीटर होते हैं, तो कितना 2×10⁻³ मीटर होगा। अब आपसे पूछा है तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण यानी कि P=2 दोस्तों क्वेश्चन मार्क, ठीक आगे इसके और कहा तो एक पार्ट हो गया, यहाँ तक काम हो गया दोस्तों, तो सबसे पहले हम P को यहीं पे फाइंड कर लेते हैं, तो दोस्तों क्या होता है इतना कर लेते उसके आगे बात करते हैं, तो P बराबर दोस्तों कितना होता है आपको फार्मूला, तो P=Q×2L होता है, P बराबर कितना Q×2L होता है दोस्तों, तो वैल्यू फटाक से डाल दीजिए फार्मूला के, P बराबर Q×2L हो गया तो वैल्यू डाल देते हैं, तो P बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा P Q कितना दोस्तों आपका 6×10⁻⁶ कितना है माइनस का कितना हो गया 6 हो गया, और × 2L कितना है 2×10⁻³ हो गया, इसको सॉल्व कर लेते इतना है तो देखिए कितना बचता है ध्यान से देखिए भैया, ये बचा जाके P बराबर देखिए 6×2 6×2 = 12 हो गया, जाके × 10⁻⁶ और 10⁻⁶ कितना था ये 3 कितना 10⁻⁶ का कितना हो गया 9 हो गया, 6×2 = 12 और 10⁻³ 10⁻⁶ 10⁻³ आधार समान होते हैं तो खाते जुड़ जाती है, यानी कि 10⁻⁶ और −3 10⁻⁹ ही तो होगा, ठीक है कूलम इसका मात्रक पता ना, देखिए क्यू का मात्रक कूलम होता है, एल हमारी लंबाई है यानी कूलम मीटर इसका मात्रक हो गया हमारा, ठीक है। आगे कहा था आपसे तो वैद्युत ध्रुव को घुमा वैद्युत ध्रुव का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों, तो वैद्युत ध्रुव का तो हमने मान ज्ञात के लिए, आगे कहा अच्छी स्थिति में 2 सेंटीमीटर दूरी पर, तो दोस्तों 2 सेंटीमीटर दूरी का मतलब कहने का मतलब आर बराबर आपको दे रखा, आर बराबर कितना होगा 2 सेंटीमीटर, वो आपको पता दोस्तों 1 सेंटीमीटर कितने मीटर होते हैं 10⁻²⁰ मीटर होते हैं, इस चीज़ से आप परिचित है, यदि नहीं समझ में आता दोस्तों कमेंट करके बताइए हम आपको बता देंगे, ठीक है। यदि ये चीज़ समझ में नहीं कि सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं सर, और मिलीमीटर को मीटर में सर कैसे आपने चेंज कर दिया, मिलीमीटर छोटा मात्रक है मीटर बड़ा मात्रक है, यदि इसमें समस्या है तो आप कमेंट करके बताइए, आपको हम जरूर बताने का दोस्तों प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, आर पता चलेगा दोस्तों, तो आपसे क्या ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो कहा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए = फार्मूला क्या होता है E=1/4π∭0 कितना 2π/r³ दोस्तों आर क्यूब होता है, ठीक है वैल्यू डाल देते हैं फटाफट, तो यह कितना हो जाएगा 9×10⁻⁹ ये इसकी वैल्यू 1/4π∭0 की वैल्यू कितनी होती है 9×10⁻⁹, जितने भी हमारे पुराने छात्र हैं वो सब जानते होंगे, और जिनको नहीं पता है तो कूलम का नियम जिसमें जो वीडियो है उसको देखिए, और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे, ठीक है, और वहां से उसको देखिए कहां से आया, उसमें हमने बताया है एप्सिलॉन नॉट का, एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान क्या होता है, मतलब एप्सिलॉन नॉट या 1/4π∭ की वैल्यू जब कैसे कहाँ से आती है, तो 9×10⁻⁹ होती है, हमने उसके बारे में बताया है, ठीक है लिखाया भी है, तो 9×10⁻⁹ हो गया 2 दोस्तों, P कितना है 12×10⁻⁹ कितना माइनस का 9 बटे कितना 2, P की वैल्यू 12×10⁻⁹ होगा बटे R कितना दोस्तों 2×10⁻⁹
माइनस का 2 का होला क्यूब हो गया। चलिए बात करते हैं आगे, तो ई बराबर देखिए कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए भैया, 9 अब 2 12 है, ठीक है 9 2 12 है, तो पहले अब एक बार लिखा रहने दीजिए, 9 दूनी 18 चलो कर लीजिए, 9 दूनी 18 होगा जाके, या इसको पहले एक साथ ऐसे ही नोट कर लीजिए, थोड़ा आसान हो जाएगा, अभी कटेगा ना नीचे से, तो 9 हो गया, गुणे 2 हो गया, गुणे 12 हो गया, 9 गुणे 2 गुणे 12, 10 की पावर 9 प्लस का 10 की पावर माइनस 9, 10 की पावर प्लस का 9 है, 10 की पावर माइनस 9 तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि गुणे आधार समान होते, घात जोड़ती, प्लस का 9 माइनस का 9, तो 10 की पावर 9 से 9 हो जाएगा 0, और किसी की भी पावर 0 होती उसका मान 1 ही होता दोस्तों, ठीक है। और नीचे कितना 2, 2 का क्यूब यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 8 हो गया, और 10 की पावर कितना माइनस का 6 हो गया, इसका भी तो क्यूब होगा, 3 दूनी 6 हो गया जाके, आप देखिए कटेगा, 2 से काट लीजिए पहले 4 से काटिए, 4 3 12, 4 3 12 और 4 दूनी 8, 2 एक कम 2 और 2 से एक कट गया, ठीक है। तो कितना बचा जाके ध्यान से देखिए, 9 और गुणे 3, 9 गुणे 3 9 तक 27 हो गया जाके, तो कितना हो गया, इसके बराबर लिख दे रहे हैं यहाँ पे ई बराबर में लिख दे, ई बराबर देखा ध्यान से देखिए, ई बराबर इतना 27 और देखिए 10 की पावर माइनस 6 ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 10 की पावर इतना 6 न्यूटन प्रति कूलाम, क्या एन और सी का मतलब न्यूटन प्रति कूलाम हो गया, हिंदी में लिख दे न्यूटन प्रति कूलाम, कितना आ गया न्यूटन प्रति कूलाम आ गया। और इसको ये चेंज करना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, और लिखना चाहते हैं तो ये कितना 2.7 इंटू 10 की पावर कितना 7 न्यूटन प्रति कूलाम, चाहे ऊपर वाला आंसर लिखिए चाहे नीचे वाला लिखिए, दोनों का मतलब भैया एक ही है, चाहे 2.7 इंटू 10 की पावर 7 न्यूटन प्रति कूलाम लिखे या 27 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन प्रति कूलाम लिखे दोस्तों, ठीक है। इसको तब तक नोट कर लीजिए फटाफट, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 21, ये कूलाम मीटर लिखा था दोस्तों, ठीक है, यहाँ था 10 की पावर माइनस का 9 और ये कूलाम लिखा था और ये मीटर लिखा था, ठीक। तब तक हम क्वेश्चन नोट करें, तब तक आप इसको संख्या 21 की ओर चलते हैं। देखिए कह रहा है दो आवेश प्लस का 2.4 माइक्रोकूलाम तथा माइनस का 2.4 माइक्रोकूलाम एक दूसरे से 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर की दूरी पर स्थित है, मीटर की दूरी पर मैं लिखते रहिए साथ में पर स्थित है, आप नोट्स बनाते रहिए भैया, बार बार कह रहे हैं कि नोट्स ही आपके सच्चे साथी हैं, मीटर की दूरी पर स्थित है, इस द्विध्रुव से 0.30 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए यदि द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा दिया जाए तो क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, घुमा दिया जाए तो क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, कितनी हो जाएगी या खाली हो जाएगी या कितनी हो जाएगी, ठीक है। आपसे देखिए बढ़िया क्वेश्चन ये भी आपसे कहा
कहा भैया कि दो आवेश प्लस का 2.4 माइक्रो कूलम तथा माइनस का 2.4 माइक्रो कूलम एक दूसरे से 2.5 10 की पावर माइनस 3 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, ठीक है। इस द्विध्रुव से 0.30 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। यहाँ तक बात क्लियर हो गया। फिर यह द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा दिया जाए तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी। दो प्रश्न आपसे पूछा, एक तो आपसे पूछा है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर कहा यदि द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा दिया जाए तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ठीक है। निरक्षीय अच्छी दोनों पूछा है, इसको थोड़ा पहले हम इतना पार्ट सॉल्व करते हैं, इतना यहाँ तक निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके बाद इस पार्ट पर हम दोस्तों चर्चा करेंगे। देखिए ध्यान से, सबसे पहले दिया क्या उसको नोट करते हैं। देखिए हमने कहा था जिसको ज्ञात करना उसको तुरंत फार्मूला दोस्तों लिख लेते हैं, आपको ज्ञात करना निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो आपके पास पता है कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या, तो E बराबर 1/4π0 पी अपान आर, क्यों पी की जरूरत है दोस्तों, पी अपान आर, तो पी बराबर, अब दोस्तों आपको पी पता होना चाहिए, तो पी दोस्तों क्या होता है क्यू इंटू 12 होता है, ठीक बेटा। पी का क्या होता है क्यू इंटू 12 होता है, यानी क्यू पता होना चाहिए 12 पता होना चाहिए। तो दो आवेश हैं, एक प्लस का एक माइनस का निकल, देखिए इनके जो परिणाम है बराबर है कि नहीं, ये दोनों बराबर है, इनके दोनों के जो परिमाण हैं वो दोनों बराबर है कि नहीं, यानी कि इनकी क्वांटिटी बराबर, यानी कि कितना हो जाएगा क्यू बराबर कितना हो जाएगा इस 2.4 माइक्रो कूलम, इसको दोस्तों कूलम में चेंज करें तो कितना हो जाएगा क्यू बराबर 2.4 इंटू 10 की बार कितना माइनस के 6 से मल्टीप्लाई कर दें, ओके बेटा, तो कितना हो जाता है कूलम में चेंज हो जाता है, ठीक है। आगे कह रहा 12, तो कहा इनके बीच की दूरी देखो, जो प्लस का 2.4 माइक्रो कूलम और माइनस का 2.4 माइक्रो कूलम जो है एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे थे, चलो हम चित्र के माध्यम से भी दर्शा रहे हैं आपको, ये देखिए ध्यान से समझिए, ये एक हो गए और एक आवेश यहाँ पे है, यहाँ पे उपस्थित था प्लस का 2 माइक्रो कूलम और यहाँ पे भैया माइनस का 2 माइक्रो कूलम था, राइट। ये एक दूसरे से भैया इनके जो बीच की दूरी थी, ये बिंदु ए था हमारा और ये बिंदु बी था, इनके बीच की दूरी जो भैया हमको बताई है था 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर, ये तो बताया 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर, यानी कि हमारा यही तो होता था, क्या होता दोनों आवेश के बीच की दूरी को क्या कहते थे वैद्युत ध्रुव, 12 होती थी बीच की दूरी, कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 मीटर हो गया जाके, 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर, एम मतलब मीटर हो गया जाके, राइट। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, तो निरक्षीय, अब देखिए आपको देखो खाली पी पता करना और आर पता होना चाहिए, आर भी तो पता होना चाहिए, इस द्विध्रुव से 0.30 मीटर की दूरी पर कितनी जो वैद्युत ध्रुव है, इससे छोटा सा बनेगा, इससे जगह नहीं, इससे कितना 0.5 मान लेते यहाँ पे, अरे तो जगह होती तो ऊपर यहाँ तक बना सकते थे, इत यहाँ पे ये वैद्युत ध्रुव का मध्य बिंदु होगा, यहाँ पे ये वैद्युत ध्रुव का मध्य बिंदु हुआ जाके, ये तो यहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, इससे कितनी दूरी 0.30 मीटर, ये दूरी आपसे कहा, ये दूरी पर यहाँ पे आपसे कहा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये यहाँ पे हमारा मान लेते हैं कोई बिंदु पी है यहाँ पे, जहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। ऐसे चित्र बनाते थे कि नहीं, फिर इसको इसको इससे मिला देते थे, फिर इसको इससे मिला देते थे, फिर समझाने के लिए सिर्फ चित्र बना रहे, आपको चित्र बनाने की पेपर में आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप समझ लीजिए यहाँ से। तो यहाँ से दोस्तों आर वाला कितना हो जाएगा 0.30 मीटर हो गया, ये तो मीटर में ही दे रखा है, चलो इसको भी मीटर में कर दें, इसको भी मीटर में कर दें, एम साइज समझने में आपको दिक्कत आती हो, ठीक है। और ये तो माइक्रो कूलम है, ये कूलम, देखिए ये सब माइक्रो कूलम, चलो हिंदी में ही सब लिख देते हैं, माइक्रो कूलम और ये हो गया भैया कूलम, कोई कन्फ्यूजन रहे ही ना, ठीक है। अब आपसे देखे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछता है, यानी कि E बराबर आपसे निरक्षीय स्थिति में पूछा, ध्यान समझिए, तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखिए, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान से देखिए भैया, अब आपसे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा, ठीक भैया। तो क्या होती थी, देखिए फार्मूला आपके पास तो है ही सामने, E बराबर 1/4π0 और कितना P अपान आर क्यूब होता है, ठीक भैया। चलिए इधर आ जाते हैं, ध्यान से देखिए, तो भैया ये हमारा कितना होगा 1/4π0 की वैल्यू आप पहले से जानते हैं, कितना 9×10^9 होता है, तो E बराबर कितना हो जाएगा 9 गुणे
10 की बार कितना होगा, 9 हो गया भैया। ठीक है, अब देखिए पी की वैल्यू हमको, पी की वैल्यू कितनी है, अच्छा पी की वैल्यू देखिए, अब यहाँ हमको पी की वैल्यू पता नहीं है भाई, यहाँ हमको पी की वैल्यू चाहिए, और पी की वैल्यू को पता करने के लिए दोस्तों हमको, आपको फार्मूला पता पी वाला कितना होता था, पी बराबर आप जानते कितना, अभी बताया था क्यू इंटू टू एल होता था, यानी कि यहाँ पे पी की वैल्यू निकालने, इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले हमको पी पता होना चाहिए, तो पी के स्थान पे हम क्यू इंटू टू एल लिख सकते हैं, क्यू इंटू टू एल लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, आप आनार क्यूब हो जाएगा। अब Q की भी वैल्यू पता है और 2L की भी वैल्यू पता है, Q की ये दे वैल्यू है ये वाली, और 2L की वैल्यू 2.5 10 की पावर माइनस 3 है, सबकी वैल्यू डाल लीजिए फटाक से, तो उसकी वैल्यू तो पड़ ही चुकी थी इसी की, चलो यहाँ पे एक बार ना डालो, यहाँ पे यहीं पर लिख लीजिए 1/4πε0, ठीक 1/4πε0 क्यू इंटू 2L अपान क्यू इंटू 2L अपान आर क्यूब हो गया, एक ही क्वेश्चन में करा दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ई वाला कितना हो जाएगा भैया, 9×10 की बार कितना 9 हो गया, आप वैल्यू डाल लीजिए इंटू, ध्यान समझिए भैया, 9×10 की बार 9 इंटू कितना हो गया, ये देखिए कितना क्यू कितना हमारा भैया 2.4 इंटू 10 की पावर भैया कितना हो गया माइनस का 6 बटे, देखिए 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 हो गया देखिए, और बटे भैया आर क्यूब आ गया था 0.3, तो 0.3 का क्यूब होगा ना भैया, तो 0.3 का क्यूब का मतलब भैया इसको तीन बार लिखना पड़ेगा, तो हम डायरेक्ट तीन बार लिख दें यहाँ पे, कोई समस्या, यानी कि 0.30 0.30 और 0.30 यही तो होगा। अब ध्यान समझिए, हर जगह से हम पॉइंट हटा रहे हैं, यहाँ से पॉइंट हटा रहे हैं, यहाँ से भी पॉइंट हटा रहे हैं, यहाँ से भी पॉइंट हटा रहे हैं, हम ब्लैक से लिख रहे हैं देखिए, जिससे आपको ज़्यादा स्पष्ट दिखे, तो यहाँ से जब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 की पावर कितना 10 की पावर 2 जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 की पावर 2 जाएगा, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना 10 की पावर 2 जाएगा, यानी यहाँ कितना हो जाएगा 10 की पावर 6 हो जाएगा भाई। पॉइंट हटाओगे, वैसे पॉइंट 30 लिखा था, पॉइंट 30 लिखा था दोस्तों ना, तो इसको क्या हटाते 1 लिखते हैं, पॉइंट हटा के 2 जीरो लगाते हैं, तो 100 बढ़ता है, 0.30 से 100 बढ़ रहा है ऊपर, और कितनी है 1, 2, तो कितना 100×100×100 10 की पावर 6 ही तो होगा। ठीक है भैया, अब देखिए अब नीचे से कितना बचा, देखिए 30 बचा जाके, अब देखिए 3 के पहाड़े से कटेगा दोस्तों, ये 3×3 9 और 3×10 30, ठीक है, फिर 3×1 3 और 3×10 30 हो गया जाके। अब ध्यान समझिए, ये देखिए ये कितना है, ये भी 3 से कट जाएगा ना, तो 3×8=24.8 हो जाएगा, और 3×10 30 हो गया। अब ध्यान समझिए, हमारे पास बचा क्या जाके, ई बराबर ध्यान से देखिए भैया, ये 0.8 बचा जाके, ये 0.8 यहाँ से देखिए 0.8 बचा जाके भैया, तो 0.8 बचा जाके, ये देखिए 10 की पावर माइनस 6 और 10 की पावर प्लस 6 तो 0 हो गया मिलके, क्योंकि गुणे में घाते आपको पता, जब आधार समान होते हैं तो घाते जुड़ जाते हैं, यहाँ भी 10 तो घाते जुड़ गए दोस्तों। अब देखिए 10 की पावर 9 बचा जाके, ये कितना आ गया 10 की पावर 1 ई बराबर 0.8 और गुणे 10 की पावर कितना अच्छा देखे, ये वाला भैया 9 बचा, 10 की पावर ये 9 बचा जाके, और आपके पास देखिए ये तो कट ही चुका था, नीचे का 10×10×10 कितनी बार बचा जाके 3, 10 कितना होगा 10 की पावर 3 हो गया ई बराबर, ठीक है ई बार कितना हो गया 0.8×10^9 और 10 की पावर ये बटे 10^3 हो, अब 10^3 ऐसे ऊपर जाएगा, 10^ ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों भाई, इसको एक मिनट सुनो, अच्छा चलो और आसान कराते हैं, 3 0 थे तो 3000 होगा, सॉरी 1000 होगा, 1 2 3 1000 हो गया, 1 2 3 1000 हो गया, इस पॉइंट को हटा लेंगे तो 10 यहाँ लग जाएगा। अब बात समझ में, तो कितना यहाँ बचा जाके 8×10^ दोस्तों ये 9 है, 8×10^ कितना 9 था, नीचे 10^ 1 2 3 4 बनेगा प्लस के, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 4, यानी कितना 8×10^ कितना 4 बचा जाएगा, 8×10^4 और बाय द वे यानी कि न्यूटन प्रति कूलाम आ जाके, ये आ जाएगा ई बराबर, ई बराबर कितना आ जाके 8×10^4 न्यूटन प्रति कूलाम आ गए। यहाँ तक बात समझ में आई, कोई समस्या, अब आपसे कहा है इधर उधर आप कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, ध्यान समझिए भैया एक पार्ट हो गया, मेन चीज है आपको यहाँ कैलकुलेशन करना है, कुछ जरूरी नहीं जैसे हमने काटा वैसे ही आप काटिए, आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करके काट सकते हैं, आंसर यही आएगा 8×10^4 आ जाएगा। अब आपसे कहा है
यहाँ देखिए, यदि द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा दीजिए, अब यहाँ समझिए, यदि यही द्विध्रुव था, यदि द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा दिया जाए, यदि इसको हम 90 डिग्री घुमा देंगे इसको वैध द्विध्रुव को, तो ये अच्छी स्थिति में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये अच्छी स्थिति में आ जाएगा कि नहीं भाई, इसको यदि द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा दिया जाए तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में आ जाएगा भाई, 90 डिग्री जैसे ये रखा था, जैसे ये रखा है, और इसको यदि हम 90 डिग्री रोटेट कर देते हैं इसको, तो ये घूम के यहाँ नहीं आ जाएगा भाई, ये जो 90 डिग्री घुमाएंगे 90 डिग्री तो है, और जब घुमाएंगे तो ये घूमते 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 इसी अक्ष पे तो आ जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो वही आपसे पूछा है, इस चित्र से कोई मत लेना देना हमारा नहीं है, चित्र सिर्फ समझाने के लिए भैया बनाना बनाया था हमने। अब ध्यान समझे, लिखोगे द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमाने पर अच्छी स्थिति बन जाती है, द्विध्रुव को, द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमाने पर अच्छी स्थिति बन जाती है, अच्छी स्थिति बन जाती है अच्छी स्थिति बन जाती है। दोस्तों ध्यान समझिए, अच्छी स्थिति बन जाती है यानी, तो अतः या बन जाती है, तो वैद्युत, तो अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी बन जाती है, तो अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके नीचे लगा जाए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान से देखिए भैया, क्या फार्मूला, E बराबर 1/4πε0, ये तो लिखा भैया 2π/r³ होता है। अच्छा आप ध्यान समझिए, आपने निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकाल ली, निरक्षीय स्थिति में आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली, कितना, E बराबर 8×10⁴ न्यूटन प्रति कूलम आया निरक्षीय स्थिति में, और अच्छी स्थिति निकाला, देखिए इसका जस्ट दुगुना है कि नहीं, 1/4πε0 2π/r³, यहाँ पी है, मतलब इसको यदि हम लिखना चाहें, ध्यान समझिए, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसी के नीचे E बराबर इसको 2 और अगले ब्रैकेट में 1/4πε0 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, ε0 P/r³, समस्या 1/4πε0 P/r³ यही तो है, 1/4πε0 P/r³ ये निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और आपने निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी निकाली, 8×10⁴, तो इसकी वैल्यू आप पहले से निकाल चुके, 8×10⁴, तो इसके स्थान पर डायरेक्ट वैल्यू 8×10⁴ रख सकते, क्योंकि आपने निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही निकाली है, वो 8×10⁴ आया, और ये किसमें, अच्छी में निकालना है, तो देखो कितना हो जाएगा, E बराबर वैल्यू डाल दीजिए फटाक से, 2 और गुणे कितना, 8×10⁴, कैलकुलेशन से थोड़ा सा बच गए, अब इधर देखिए यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं, E बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 8×2 = 16 हो गया, 16×10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, 16×10⁴ क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलम आ गए, ये हमारा भैया किसमें आ गया, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। यहाँ कितना आई थी, निरक्षीय स्थिति में 8×10⁴ कितनी आई, 4 आएगा न्यूटन प्रति कूलम, और यहाँ कितना आ जाके 16×10⁴ आया था, 16×10⁴ आया था किसमें, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आया जाके, ठीक है। या इसको देखो एक तरीके से, और या तो ये आंसर लिखिए, या इसको ये भी ले सकते हैं, ये बराबर कितना, 1.6×10⁵ न्यूटन प्रति कूलम, चाहे ऊपर वाला आंसर लिखिए चाहे नीचे वाला लिखिए, बात एक ही, क्योंकि 1.6 है, तो 1.06 लिखेंगे तो 1.6 लिखेंगे, इसका मतलब कितना, 1.6×10 लिखना पड़ेगा ना, और जब 1.6 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, 160 आएगा, एक अंक बाद पॉइंट था तो रहेगा तो 16 ही, तो ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से आप चाहे वो आंसर लिखे चाहे आंसर लिखे, दोनों आंसर सही है, तो आपका क्या अच्छी, देखो और थोड़ा इसको यदि अंतर करना चाहते हो, और तो यहाँ पे जैसे हमने ई लिखा, ये हमने हेडिंग लगवा दी थी कि यहाँ निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यदि थोड़ा और अंतर करना, तो जहाँ ई है जैसे ये लिखा है, तो यहाँ पे निरक्षीय आप और लिख सकते हो, ई लिखा था तो यानी ई लिख के निरक्षीय लिख सकते हो, आगे निरक्षीय, जैसे अंतर करना चाहते हो कि सर ये सब यहाँ भी ई लगा, कई बच्चों के मन में प्रश्न लगा सर यहाँ भी ई लगा है और यहाँ भी ई लगा, तो इसमें इसमें अंतर क्या है, दिमाग में प्रश्न उठ रहा है सर यहाँ भी ई लग रहा है यहाँ भी लग रहा है, तो इन दोनों में अंतर क्या है, तो यदि ज़्यादा आप सोचते हो, क्योंकि हमने ऊपर ही लिखा दिया था कि अच्छी स्थिति निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अभी लिखाई थी हेडिंग इसके, इसको सॉल्व कराने से पहले, और यहाँ भी लिखा दिया कि अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
तो आप अच्छी से बड़ी अच्छी लिखती है तो ई ही तो होगा। और यदि अंतर करना चाहते हो तो यहाँ निरक्षी लिख दो और यहाँ क्या ई अच्छी लिख दो, अच्छी ई अच्छी और स्थिर भी अच्छी, यहाँ यहाँ भी अच्छी, यहाँ भी अच्छी, यहाँ भी अच्छी, यहाँ भी अच्छी, और अंतर हो जाएगा। आप लिखना चाहते हो तो, और ये समझ गए हो तो लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपने अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ भी लिख दिया और ऊपर भी इसमें भी लिखा था निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों आज आपके दो न्यूमेरिकल हुए, न्यूमेरिकल नंबर 20 और न्यूमेरिकल नंबर 21। और कितने आपके न्यूमेरिकल के कितने लेक्चर, 20 जो लेक्चर कंप्लीट हुए चैप्टर नंबर 1 के, दोस्तों आपके टोटल लेक्चर कितने कंप्लीट हुए, 20 हुए हैं। खुशखबरी ये थी कि आज आप सभी मित्रों के जितने भी न्यूमेरिकल फर्स्ट चैप्टर में आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट थे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि में आने वाले प्रश्न थे, उन सभी प्रश्नों का श्रृंखला जो थी आप सभी मित्रों को प्रोवाइड की जा चुकी है। तो खुशखबरी ये है कि आपकी पहले लेक्चर की चैप्टर नंबर 1 की जितनी भी थ्योरी थी और जितने न्यूमेरिकल बनने वाले थे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट थे, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, पूरा कंप्लीट टॉपिक आपका हो चुका है। यानी कि पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल और थ्योरी, थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों कंप्लीट हो चुके, ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यानी कि अगला जब आपका चैप्टर स्टार्ट होने वाला, कौन सा चैप्टर नंबर 2, यानी कि चैप्टर नंबर 1 में आप सभी मित्रों ने चैप्टर नंबर 1 में आप सभी मित्रों ने टोटल 20 लेक्चर का अध्ययन किया है। कितने लेक्चर का अध्ययन किया, 20 लेक्चरों का अध्ययन किया, जिसमें लेक्चर नंबर 1 से लगाकर लेक्चर नंबर 15 तक आप सभी मित्रों को कंप्लीट थ्योरी प्रोवाइड की गई है। और लेक्चर नंबर दोस्तों 15 से 20 तक कंप्लीट न्यूमेरिकल कराए गए हैं। कितने न्यूमेरिकल हो गए दोस्तों, 21 न्यूमेरिकल दोस्तों आप लोगों को कराए गए। इन न्यूमेरिकल को बड़े विधिवत से लगाइएगा, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से आपका जो न्यूमेरिकल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन सभी न्यूमेरिकलों को बड़े अच्छे से लगाइएगा। और आप सभी मित्र, जितने भी आप सभी दोस्त हैं, वो सभी लोग अपना सिलेबस जितना है उस सिलेबस को एक बार नोट कर लेंगे। उसके बाद जो जितना हमें सिखाया चैप्टर नंबर 1, इन सभी नोट्सों को आप बनाते रहेंगे। जितने भी आपके क्या जितना हम सिखा रहे हैं, आप यदि YouTube पे देख रहे हैं तो उन सभी नोट्स को बनाते रहें, क्योंकि एग्जाम के समय इतने सारे आपके वीडियो हो जाएंगे। आप ही दिमाग लगा कि एक लेक्चर में, एक चैप्टर में सिर्फ आपके 20 लेक्चर हुए हैं, उसके पहले आपको लाइट भी सिखा चुके हैं, है कि नहीं। तो आपके तब तक बहुत सारे वीडियो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे ना, तो आपके पास एक बहुत बड़ा संग्रह हो जाएगा। लेकिन यदि आप नोट्स बनाते रहेंगे तो आप एक पास आपकी कॉपी में लिखेंगे तो आपको बार बार वीडियो नहीं देखना पड़ेगा मोबाइल पे। वो एग्जाम के समय फटाक से जो टाइप देखना, फटाक से पलट लिया, देख लिया, ये चीज है। इसलिए नोट्स बनाना आप सभी मित्रों के लिए कंपलसरी, आप नोट्स जरूर बनाइए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि नोट्स ही आपके सच्चे साथी, जो एग्जाम के समय आप सभी मित्रों को काम आने वाले दोस्तों। तो अगला भैया दोस्तों, आज चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, यानी कि अब आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको यदि चैप्टर फर्स्ट में न्यूमेरिकल्स में या थ्योरी में कहीं पे कोई भी डाउट है दोस्तों, तो आप कमेंट करके अपने भाई से निसंकोच पूछ सकते हैं, ठीक दोस्तों। तो ठीक दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।